एवरीवन वाचिंग माय वीडियो, आई एम नवीन। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग सीखते हैं। अग्री, नॉर्मली आपने वर्ड सुना होगा अग्री, इसका अर्थ होता है सहमत होना, किसी व्यक्ति से सहमत होना। लेकिन हम इसके साथ में दो तरह से प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं और ये एरर्स में भी आ जाता है, एग्जाम में काफी देखने को मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है। तो शुरुआत करते हैं हम, पहला है एग्री विद। एग्री के साथ में विद जब लगाते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से सहमत हैं, जब हम किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो विद लगाएंगे। जैसे कि आपको बोलना है आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, या नेगेटिव बोलना है मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ तो आई डू नॉट एग्री विद यू। इस तरह से हम विद लगाएंगे जब कोई व्यक्ति है, इसको आप पॉइंट आउट कर लें, उसको लिख लें, माइंड ऑफ फिक्स कर लें। दूसरा है आपका एग्री टू समथिंग। टू कहाँ लगाना है आपको, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। टू कहाँ लगाना है, टू जब किसी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन या किसी वस्तु से, किसी की बात से अगर आप सहमत हैं तो फिर वहां आप टू लगाएंगे। जैसे आपको बोलना है फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव या किसी भी बिजनेस का प्रस्ताव, किसी का भी प्रपोजल है, प्रस्ताव है, तो ये प्रपोजल है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। जहां कोई व्यक्ति नहीं है तो हम वहां पर टू लगाएंगे, कोई भी हो सकता है, नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है वो, ठीक। तो अगर किसी व्यक्ति से आप सहमत नहीं है, अगर कोई वो नाउन फॉर्म में है या फिर कोई जो है एक वस्तु थिंग नॉन लिविंग, आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लिविंग है कोई व्यक्ति है तो विद लगाओ, और नॉन लिविंग है कोई थिंग है तो फिर टू लगाओ। तो यहाँ पर ये लिविंग तो है नहीं तो फिर आप टू लगाएंगे। आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, आपको बोलना है कि मैं तुम्हारे पॉइंट से सहमत नहीं हूँ, तो आई डू नॉट एग्री टू योर पॉइंट। यहाँ पर हम विद नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं बोल सकते आई डू नॉट एग्री विद योर प्रपोजल, विद लगा दें तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको टू ही लगाना होगा। तो ये हमने इसमें सीखा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में देखने को मिला है, और भी इम्पोर्टेंट कुछ जो है प्रपोजिशन होते हैं वो हम समझाएंगे। तो इस वीडियो हमने यही कुछ शॉर्ट दिया और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, जो अपकमिंग जो वीडियोज है वो आप तक पहुंचे और आप सीखते रहें। थैंक यू।